Myra Fashion, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. देखिए पिछले लंबे समय से निगम के अंदर पिछला एक वर्ष हो गया यहाँ पर जो आयुक्त है चिन्मय गोपाल जी उनको हमने बहुत बार निवेदन किया था कि वार्डों के हमारी माताएं आई हुई है यहाँ पर जिनकी नालियाँ वहाँ पर घरों के बाहर बिल्कुल टूटी हुई है। चिन्मय गोपाल जी ने कहा मैं स्वयं मौका देखूंगी। कई बार हमारे माता जी पार्षद और हम सब लोगों ने हमारे जितने साथियों ने हमने निवेदन किया था उन्होंने कहा था कि अभी पुष्कर मेला चल रहा है उससे पहले उन्होंने कहा लोकसभा की आचार संहिता चल रही है। करीब एक साल हो गया बार बार निवेदन करने के बाद में भी हमारे वार्ड में भी और शहर में भी कई जगह ऐसी समस्याएं हैं जो रोजमर्रा के कार्य है जो नगर निगम को करने हैं वो आयुक्त द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। इसी को लेकर के हम आज यहाँ पर आए हैं लेकिन आज निगम की आयुक्त महोदय हमको नहीं मिली है। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि यहाँ पर निगम एक जनता से जुड़ा हुआ महकमा है। इस महकमे में कम से कम जनहित के काम को देखने वाला केवल डिग्री लेकर के कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठ जाए और जनता के काम नहीं करे अपनी तानाशाही हिटलरशाही से यहाँ पर राज करना चाहता है लोकतंत्र में उसका कोई स्थान नहीं है। मैं सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और जो हमारी सरकार के जितने लोग हैं वो पारदर्शी जवाबदेही शासन देने का वादा है लेकिन ये सरकार की मंशा के खिलाफ काम कर रही है चिन्मय गोपाल आयुक्त महोदया। मैं कहना चाहता हूँ कि या तो वार्डों में विकास करो या तो जनता के काम करो वरना कुर्सी खाली करो। इस सूरत में अजमेर शहर के अंदर तानाशाही किसी भी सूरत में नहीं चलेगी। हमारे वार्डों के अंदर प्रत्येक वार्डों में महंगाई बढ़ रही है दुगुनी राशि के विकास कार्य करने के लिए हमने महापौर महोदय जी को भी पिछले दिनों ज्ञापन दिया था और आज हम यहाँ आयुक्त को ज्ञापन देने आए थे लेकिन आयुक्त महोदया नहीं मिली है। ये बहुत शर्म की बात है कि एक पूरे शहर की जनता के लिए वार्डों के विकास के लिए ये कोई हमारा किसी का निजी काम नहीं है ये आम जनता के काम के लिए हम आए हैं। जो वार्डों के अंदर नालियाँ नाले सफाई जो लाइट व्यवस्था खराब पड़ी है उस पर पिछले एक साल से जीसी नहीं हो रही है साधारण सभा नहीं बुलाए जा रहे बहुत शर्म की बात है। इसी को लेकर के हमारे बीच में हमारे पार्षद भाई सुनील केन जी हमारे नेता प्रतिपक्ष नरेश सत्यावना जी हमारी माता जी पार्षद हमारे गुलाम मुस्तफा जी और जितने भी सर्वेश पारिक जी और मोहनलाल शर्मा जी हमारे जितने लोग हैं हम सब लोग ये मांग करते हैं कि अभी तो नहीं अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। या तो आयुक्त महोदय हमारे काम करे वरना पूरे शहर के लिए इस शहर के विकास के लिए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और किसी भी सूरत में हमारी सरकार की मंशा के विपरीत जो काम कर रही है हम इनको ऐसा जो भ्रष्टाचार नगर निगम के अंदर फैला रखा है वो किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। एक ही अधिकारी के पास दो विभाग है स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड भी है निगम भी है इसको कितना उचित मानते हैं? ये देखिए बहुत गलत बात है क्योंकि निगम के अंदर खुला जो खेल है ये निगम की जो आयुक्त है उसकी तानाशाही चल रही है और हम तो चाहते हैं कि अजमेर शहर स्मार्ट सिटी बने लेकिन बिना जनता की भागीदारी के और बिना जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के सहयोग के ये शहर कभी भी स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता। जब तक जनता इसमें भागीदार नहीं होगी जनता के चुने हुए पार्षदों का सम्मान नहीं होगा और उनसे राय नहीं ली जाएगी तो आज जनता की बिना भागीदारी के कैसा स्मार्ट सिटी बनाएंगे ये बहुत शर्म की बात है। मैं यही मांग करता हूँ कि आयुक्त महोदय तुरंत प्रभाव से काम करें वरना मैं मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूँ कि उस आयुक्त को कोई भी अजमेर से हटा करके किसी भी अन्यत्र स्थान पर भेज दिया जाए। अजमेर को कम से कम ऐसा अधिकारी दे जो जनता की भावना विकास के काम के लिए आए हो नगर निगम के सीओ चिन्मय गोपाल जो कि तानाशाही यहाँ बनकर बैठी हुई है विकास के कार्यों में रोड़ा अटका रही है विकास नहीं कर रही है। मुझे यहाँ 25 साल हो गए मैंने ऐसा आयुक्त आज तक नहीं देखा है जो विकास में रोड़ा अटकाए। आज से पहले कभी भी कोई भी गिरदावर
साइड देखने नहीं गया, लेकिन ये गिरदावर को साइड देखने भेज रही है। 60% से ज़्यादा सड़क टूटी हुई है तो ही बनेगी, उससे कम मतलब उसको रिपेयर कर दिया जाएगा। मतलब भेदभाव इतना कर रही है, ये प्रशासनिक कार्य करने आई है, नेतागिरी करने आई है। शकल देख करके जो उसके पक्ष में बोलता है उसके तो काम करा रही है, जो उसके विरोध में उसका काम नहीं करा रही है। मैं ये कह रहा हूँ स्मार्ट सिटी भी इसको दे रखी है, इसका ज़्यादा ध्यान स्मार्ट सिटी में मलाई खाने में लगा हुआ है। नगर निगम के जो 60 वार्ड हैं उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले हमारे जो 20-20 लाख के कार्य से बीजेपी सरकार ने अपने MLA को दे दिए हमारे काम छीन करके। हम विकास के लिए तरस रहे हैं पर इनके कान में जू नहीं लग रहा है, तो हम इसको आज बताने आए अगर काम करो तो ठीक है, नहीं तो हम आपके खिलाफ सिर्फ ज़्यादा और ज़्यादा प्रदर्शन और धरना देंगे। धन्यवाद।